गुड आफ्टरनून। देखिए फिजिक्स सेकंड ईयर के जो क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है या डिपेंडेंट आपके एक्सरसाइज से मिला करता है और इसमें यह कह रहा कि दो आवेश दे रखे हैं, इन दो आवेशों के मध्य जो हमारा फोर्स है फोर्स कितना है, चाहे वो न्यूटन में आ रहा कि टाइम में आ रहा है, यह हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखा है, दूरी भी दे रखा है। तो बेसिकली आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, बस अब तक आपको मल्टीप्लाई करना है तो बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे वह माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम नहीं दे रखा है, यहाँ से आप एक मल्टीप्लाई करने से बच गए। क्या मल्टीप्लाई करने से बच गए कि माइक्रोन नहीं दिया हुआ या एंगस्ट्रॉम नहीं दिया, तो इसको हमें इसमें से मल्टीप्लाई नहीं करना है। बस अब एक चीज को आपको यहाँ पर चेंज करना है, इट इज द गिवन द डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दे रखा 15 सेंटीमीटर इसी को आपको किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो 15 × 10^2 कितना जाए -2 मीटर, ये कॉन्सेप्ट जान गया, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर तो एक सेंटीमीटर कितना मीटर, तो हो जाएगा आपका 10^-2 या इसको ऐसे लिखो 1/100। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया जाता है 1 रुपये में 100 पैसा, तो 1 पैसा में 1 रुपया, तो 1/100 पैसा, ठीक है। तो इसी तरह इतना निकल गया। अब यहाँ पे एफ निकालना है, तो एफ का फॉर्मूला आप जानते हैं, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4π0Q1Q2/r2। हम चाहते हैं कि 1 की जगह पे ए भी लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाले हैं, एग्जाम में इतना समझ जाएगा कि क्या 1 को माना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपका देखने मिल रही है, इसका कितना होता है 9×10^2 आपका कितना हो गया, ये 9, ये 1/4π0 × 9 हो गया। Q1 Q2 हो गया आपका ये 2.5 × 10^2 आपका -7, आइए हो गया यहाँ पर निगेटिव आपका ये है 10^2 का इतना -7 निगेटिव छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पर जाएगा r2, व्हाट इज r, ये 15 है, हम यहाँ से देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे आता है होल स्क्वायर, ठीक है, ये 9 हो गया। अब 25 में जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2.5 × 2.5 पे, अब जब 2.25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आएगा, यानी 25 में 25 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है इसीलिए आप लोग को स्क्वायर पढ़ाया जाता है, 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है 625, ठीक। लेकिन एक अंक और यहाँ पे दो अंक, दो अंक पे दशमलव लगाते हैं, 1 2 यहाँ हो जाएगा, यानी 6.25 हो गया फुल। और यहाँ पे देखिए 10^2 आता है, ये -7 और -7 कितना जाएगा 14, आप प्लस कितना जगह ये 9, ये वाला डिग्री वाला एक साथ लिख दिया अपन, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे ये 15 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर करने मतलब क्या, 15 में 15 से मल्टीप्लाई करना, तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द 15, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, जो जगह 225 और यहां दो जगह ये पावर टू पावर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10^2 कितना आएगा आपका -4, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, अब यहाँ पे समझना ये है कि क्या किया जा रहा है, ये यहाँ पे 625 में चाहे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या यहीं से काट दीजिए इसको, तो अभी देखिए यही 10^2 मैं ऊपर ले रहा हूँ, ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है, ऊपर जाए क्या जाएगा पॉजिटिव, ऐसे मैं कर लिया, ठीक। तो 9 × 2.625 × 2, देखिए भाई 9 × 4 = 13 +13, अब +13 में से -14 जाए कितना जाएगा 10^-1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा कितना 225, तो ये जो है आप यहाँ पर क्या कीजिए, इसको चाहे इधर ले लीजिए काटने के लिए हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, या देखिए एक अंक दो अंक 10^2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10^2 यहाँ पे 2 से भी डिवाइड कर दिए, ये काटने के लगाने से दशमलव खत्म, अब ये दशमलव खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा, कितना जाए आपका ये, इसको काटिए 5 × 5 = 20 + 2 = 5 = 25, ठीक है। इसको भी 5 काट देते हैं यहाँ पे, 5 × 5 = 1, 5 × 10 = 5 = 25, ठीक। फिर 5 से काटा 5 × 9 = 45, फिर 5 से काटा तो 5 × 10 = 5 = 25, फिर 9 × 5 कट गया, ठीक। तो ऊपर कितना बचा आपका 25 बचा है, F = 25, और यहाँ देखिए 10^2 आपका -1 है, 10^2 ये 2 है, तो ऊपर जाएगा ये वाला कितना जाएगा 10^-3, यही आपका इतना न्यूटन हो गया। और इतना इस तरह से या चाहें तो एक कंडीशन और है, जो F = निकला है आपका
25 i x 10 टू द पावर को माइनस 3 इसको नीचे ला दीजिए तो f इक्वल टू कितना जाएगा 25 भैया 5 10 टू द पावर को 3 ये नीचे आएगा पॉजिटिव हो जाता नियम है ना तो ये हो जाएगा f इक्वल टू 25 भैया कितना आ जाएगा 1000 ठीक 1000 आप इसको भाग कर देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा कितना देखिए यहां पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 250 तभी भाग दिया जाएगा तभी भाग दिया जाएगा कि 1250 है फिर आप एक जीरो और लगा देंगे कितना आ जाएगा यानी 20 आ जाएगा कितना आ जाएगा तब 20 यानी 2500 तो 1000 दोनों 2000 फिर कितना आ जाएगा आपका 500 500 के फिर जीरो लगा कितना आ जाएगा आपका 5000 हो जाएगा तो ये आपका 5500 हो जाएगा कितना निकल जाएगा पॉइंट ले लीजिए उतना है ठीक है इधर लगाया उतना है उससे छोड़ सकते हैं ठीक है हमारा है तो आई होप दिस इज द वीडियो टू द सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर